6 अप्रैल 2019 दिन शनिवार। आईपीएल 2019 अपने पूरे रोमांच पर था। आमने सामने थी चेन्नई सुपर किंग्स और किंग्स इलेवन पंजाब की टीमें। पंजाब की टीम को आखिरी दो ओवर में जीत के लिए 39 रन चाहिए थे। धोनी ने गेंद थमाई नई गेंद के साथ कमाल दिखाने वाले दीपक चाहर को। चाहर ने यॉर्कर गेंद डालने का प्रयास किया और इस प्रयास में गेंद हाई फुल टॉस रही। बल्लेबाजी कर रहे सरफराज ने बल्ला छुआते हुए इसे थर्ड मैन दिशा में चौके के लिए रवाना कर दिया। गेंद कमर से ऊपर फुल टॉस थी, ऐसे में अंपायरों ने इसे नोबॉल करार दे दिया। चाहर की अगली गेंद भी ऐसी ही रही और एक बार फिर से अंपायर ने हाई फुल टॉस के चलते इसे नोबॉल करार दिया। इस गेंद ने सरफराज ने दो रन दौड़कर भी बना लिए। लगातार दो गेंद हाई फुल टॉस और नोबॉल होने के बाद एक समय तो लगने लगा था कि कहीं दीपक चाहर भी आरसीबी की गेंदबाजी मोहम्मद सिराज वाली गलती न कर दे, क्योंकि सिराज ने ठीक एक दिन पहले केकेआर के खिलाफ ऐसी गलती की थी जिसके बाद मैच पलट गया था और कोलकाता जीत गया था। दीपक चाहर की गलतियों से धोनी खफा हो गए। वो दौड़ते हुए आए और चाहर से प्लान के अनुसार गेंद डालने को कहा। वो जिस तरह से चाहर को कह रहे थे उससे ऐसा लग रहा था मानो उन्हें ज्यादा प्रयोग करने के बजाय सीधे गेंद डालने को कह रहे थे। धोनी जब सुनाने लगे तो चाहर का चेहरा उतर गया, आंखें डबडबाई हुई थी। धोनी के समझाने के बाद दीपक चाहर ने पूरा ओवर एकदम सटीक डाला। उनके इस ओवर में 13 रन गए, लेकिन इनमें से 8 रन तो पहली दो नो बॉल पर बन गए थे। धोनी के ज्ञान के बाद चाहर ने आखिरी गेंद पर खतरनाक बल्लेबाज डेविड मिलर को भी बोल्ड कर दिया। शायद धोनी की यही डांट दीपक चाहर के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। धोनी जैसे महान मार्गदर्शक की अगुवाई में आईपीएल के दौरान चाहर का खेल जमकर निखरा। बांग्लादेश के खिलाफ स्पेसर ने 3.2 ओवर्स में महज 7 रन देकर 6 खिलाड़ियों को पवेलियन लौटाया और एक समय बराबर पर नजर आ रहा मुकाबला भारत की झोली में डाल दिया और उसी के साथ ही मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज का खिताब भी अपने नाम किया। दीपक चाहर अब भारतीय टीम का एक बेहतरीन खिलाड़ी बन चुके हैं और आने वाले मिशन 2020 के लिए एक बेहतरीन खिलाड़ी के रूप में उभर चुके हैं। लेकिन धोनी की डांट ने ही दीपक चाहर को एक बड़ा खिलाड़ी बना दिया। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।